जब मुझे अपने दिल में याद करता मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूं। जब मेरा बंदा किसी महफिल में मेरा जिक्र करता है मैं उससे कहीं बेहतर महफिल में उसका जिक्र करता हूं। अल्लाह की महफिल तो मलाए आला की है, मलाए के मुकर्रमीन की है। बहरहाल अल्लाह को तुम अपने दिल में मुस्तहज़र रखो, अल्लाह ताला तुम्हें भी याद रखेगा। दोबारा फरमाया एहफ़िज़ुल्लाह तजिदहु अमामक तुजाहक, अल्लाह को याद रखो तो अपने सामने मौजूद पाओगे, जब चाहो दुआ करो। तो एहफ़िज़ुल्लाह तजिदहु अमामक या तुजाहक, अपने सामने मौजूद पाओगे। इज़ा सअलता फ़सअलिल्लाह, अब आ गया वो मरकज़ी मौज़ू, देखो जब मांगो अल्लाह से मांगो, गैर अल्लाह के सामने हाथ दराज करो ही मत। एक हदीस में आता यानी हराम नहीं है, दुनियावी कवायद उसूल कवानीन के तहत किसी से मदद चाहना कोई सवाल करना हराम नहीं है। आप सवाल करें मदद लें, इसी पर दुनिया कायम है एक दूसरे के साथ तआवुन के साथ। लेकिन ऊंचा मकाम क्या है, किसी से सवाल मत करो सिवाय अल्लाह, यहां तक कि जूते बांधने का तस्मा तुम्हें दरकार है तो भी किसी से मत मांगो, अल्लाह से मांगो। क्या पता अल्लाह किसके दिल में डाल दे और वो आके तुम्हें तस्मा पेश कर दे। होता है ऐसा मुसाफर होता जो अल्लाह के साथ लौ लगा कर रखने वाले उनके तो ऐसे वाकयात होते हैं कि दिल में एक बात आई और उसके बाद वही बात जो है वो कोई शख्स आ गया उसने वो बात पूरी कर दी। क्योंकि लोगों के दिल जो है वो तो अल्लाह के दो उंगलियों के मापेन जिसे चाहता फिर देता। क्या पता अल्लाह किसी फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेज दे, आता है फरिश्ता आता है इंसानी शक्ल में आता, आपकी तकलीफ को रफा कर दे, आपकी जरूरत को पूरा कर दे, उसी से मांगो किसी और से मांगो। यह है तौहीद का लुबे लुबाब। यूं समझिए इस्लाम की जड़ क्या है, ईमान। इस्लाम का जो खारजी निजाम अमल है, इंफरादी आमाल हो इज्तमाई हो, उन सब की रूह रवा क्या है, ईमान। ठीक, एक बात हो गई। ईमान का खुलासा लुबे लुबाब क्या है, ईमान बिल्लाह। वैसे ईमान बिल आखिरा भी है, ईमान बिल मलाइका है, ईमान बिल अंबिया है, ईमान बिल रसूल है, ईमान बिल कुतुब है, ईमान बिल कद्र है, लेकिन असल ईमान। इसीलिए ईमान मुजमल में आपको मालूम है किसी और चीज का जिक्र नहीं। आमंतु बिल्लाह कमा हुआ बे अस्माए ही व सिफात ही व कबीर को जमी अहकाम ही इकरार बिल निशान व तस्दीक बिल कल्ब, ये ईमान मुजमल है। इजमाली तौर पर ईमान इसका नाम है। हाँ, मुफस्सल तफसीली तौर पर आमंतु बिल्लाह व मलाइकत ही व कुतुब ही व रसूल ही व यौम आखिर व कद्र खैर ही व शर ही बिल्लाह तआला। तो इस्लाम की जड़ ईमान और इस्लाम का सारा जो निजाम अमल है, चाहे इंफरादी अमाल हो चाहे इज्तमाई, उन सब की रूह है नवा ईमान। और ईमान का खुलासा ईमान बिल्लाह। और ईमान बिल्लाह का असल हासिल वो है जो इस हदीस में आ रहा है।